कमलनाथ तो मुखौटा है, पीछे से सरकार तो कोई और चलाता है। ये चुटकी लेते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ का नारा बुलंद किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखो, दिग्विजय सिंह जी को सारा कांग्रेस के लोग जानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए बुलाया तो वोट कट जाएंगे, ऐसा दिग्विजय सिंह जी खुद कहते हैं, और इसलिए कमलनाथ जी उनसे पीछे से बात कर रहे हैं। और उमंग सिंगार जी ने तो उस समय कहा भी था कि कमलनाथ जी तो मुखौटा है, सरकार पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, उन्होंने नाम लिया था। इनने आज तक खंडन नहीं किया, उमंग सिंगार ने खंडन नहीं किया। इन सब की कीमत डबल हो गई है आज की तारीख में, उठा के देख लीजिए मीडिया और समाचार पर। आटा दाल के जो कहते हैं ना भाव पता लग जाएंगे, लोगों को पता लग रहे हैं, हर चीज़ 130 पे जा रही है दाल, 140 पे जो 60-70 थी, आटे का भाव दुगना हो गया है। तो ये सब संभाल नहीं पाई कोरोना काल में, और इसलिए सब स्थिति बनी है। 6 महीने कोरोना के लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिला, 14 लाख युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो गए हैं, और संक्रमण के मामले में 1.5 लाख पे हम पहुंच गए हैं, 2500 करीब जाने चली गई। इस सब के लिए इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने चलती हुई सरकार को हटाया। और हमारा एक ही नारा है फिर 28 के 28 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए।